अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि पैनल वाली शर्ट जॉइंट लेस के साथ कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वक्त ज़ाया के बगैर अपनी इस क्लास का आगाज करते हैं। यहाँ पर डिजाइन का ख्याल रखते हुए मैंने फ्रंट और बैक के पैनल को इस तरह डबल फोल्ड करके अलग अलग से ऊपर नीचे बिछा लिया है। अब हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 40 इंचेस पर लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद हम इधर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से आगे हम 3 इंचेस पर एक और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से मैं 15.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। जहाँ पर भी आपका वेस्ट पॉइंट आता है, आपको ये निशान वहाँ लगाना है। मैं ये 15.5 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पर 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इससे आगे 3 इंच बढ़ाकर एक और निशान लगा लेंगे। अब नीचे दामन की साइड पर मैं 5.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और उससे अगला निशान भी मैं 5.25 इंच पर ही लगाऊंगी। अब हम इन निशानों को इस तरह आपस में मिला लेंगे और फ्रंट और बैक को इकट्ठा इस तरह से कट कर लेंगे। अब इन पैनल्स को मैं पहले ओवरलॉक करवा लूंगी और अपनी आसानी के लिए इस पर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा पैनल किसके साथ ज्वाइन करना है। अगर तो आपके पास प्लेन कपड़ा है तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग है, तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मैच करे। तो यहाँ पर मैं अपने पैनल्स को सेपरेट ओवरलॉक करवा चुकी हूँ। अब हम इस तरह से ये इसकी एक मिडल पैनल की फ्रंट साइड लेंगे, उसके साथ जॉइंट लेस की राइट साइड उसके साथ मिलाते हुए हम इस तरह से इसको लगा लेंगे। यानी पैनल की राइट साइड लेस की राइट साइड के साथ मैच करनी चाहिए। ऊपर से नीचे ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटाएंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हमने जिस साइड पे लेस लगाई है उसी साइड का हमने साइड पैनल लिया, उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखी और मिडल पैनल की उल्टी साइड हमने साइड पैनल की राइट साइड पर रखते हुए इस तरह अपनी लेस को ज्वाइन कर लेंगे। जब हम लेस अटैच करें तो हमें साइड से कपड़ा 1/4 से 1/2 इंच तक छोड़ना है। अब हम इसे सीधा करके इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, मैंने अपनी शर्ट की फ्रंट पैनल पर दोनों साइड्स की लेस को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया और बैक पर भी मैं इस तरह लेस ज्वाइन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जो साइज़ मुझे काटना है उसका पैटर्न रेडी है मेरे पास। वैसे तो मैं जल्दी में अपना ये पैटर्न रख के कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से मार्किंग करना बता देती हूँ। एक बार फिर से हम अपनी लेंथ चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर तीरे का निशान लगाऊंगी। 3.25 इंच पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। 1/4 इंच नीचे मैं शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल के लिए मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हमने ऊपर जितना तीरे का निशान लिया था, नीचे भी हम उतना ही तीरे का निशान लेंगे। यानी 7.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब तकरीबन 1/4 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और अब यहाँ से 11 इंच पर मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। अब इसमें क्योंकि कमर की शेप नहीं है, मैं यहाँ पर हिप पॉइंट का निशान 14 इंचेस पर लगाऊंगी, जो कि आर्म होल के नीचे से है। 16 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे, जो कि एक रफली अंदाजे के लिए है।
हिप का निशान मैं 12 इंचेस पर लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद मैं कर्व स्केल की मदद से इस तरह इसको शेप दे दूंगी और ट्रेसिंग व्हील की मदद से मैं बैक हिस्से पर भी इस तरह से निशान लगा लूंगी। अब घेरे का यानी दामन का निशान मैं 13 इंचेस पर लगाऊंगी और हिप के निशान को दामन के निशान से इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब साइड से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इन निशानों पर अपनी कटाई कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम यहीं से मेजरमेंट ले लेंगे। ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। वहाँ पर जो हमने निशान लगाया है वहाँ से इंच टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच नीचे की तरफ लाते हुए हम मेजर करेंगे। ये 9.25 आ रहा है तो हम अपने स्लीव्स की कटिंग भी 9.25 इंचेस पर। तो ये है जी इस पैनल कुर्ती की फाइनल लुक। बैक पर भी मैंने इसी तरह से जॉइंट लेस लगाई है और जॉइंट लेस के नीचे मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।